रहे हैं अभी की टीलर पे कैसे कैसे बता रहे हैं? टीलर पे भैया इसमें जितना था उतना आदमी खड़ा कर दो, रोड स्लो में नहीं रुकता, तीसरे के लो में गिर गया मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और यू है जी ACE 450 DI और यू जो है पूले काट रहा है। और पहले तो आप ये देखो डिस्क ब्रेक है, इसमें जो है पंप कौन सा है, यू इनलाइन भी नहीं लग रहा, रोटरी भी नहीं लग रहा, यू पंप कौन सा है इसका मुझे नहीं पता चला। और मैं इनके जो है ओनर से मिलवाऊंगा। दोस्तों दिखाते हैं तो तुम्हें इनसे भैया से मिलवाते हैं। अच्छा नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया। भैया ये बताओ कौन सा मॉडल है तुम्हारे ट्रैक्टर? भैया सन 2009 मॉडल है। नौ मॉडल है। अपना एड्रेस और बता दो कहाँ से हो तुम? ग्राम भपुंडा हापुड़ रोड में। भपुंडा हापुड़ रोड में। नाम? नाम सचिन भराना। सचिन भराना जी। अच्छा भैया एक बात बताओ, जैसे तुम अभी मुझे बता रहे हैं इसमें जो है टायर 14 के हैं? जी इसमें 16 के हैं भैया। 16 के ना है इसमें, 14 9 28 के टायर है। अच्छा तुम मुझे बता रहे हैं अभी की टीलर पे कैसे कैसे बता रहे हैं? टीलर पे भैया इसमें जितना था उतना आदमी खड़ा कर दो, रोड स्लो में नहीं रुकता, तीसरे के लो में गिर गया मैं छोड़ दूं। पूरे लीवर नीचे डाउन कर रहा है? पूरे लीवर नीचे डाउन। ये वाले ये जो दोनों लीवर हैं, लीवर हैं इन्हें पूरे नीचे करके पूरे डाउन करके जैसा है स्थिति में जिसकी जी करे हाँ उतना खड़े हो जाओ, ये रुकता नहीं। रुकता नहीं ट्रैक्टर? बिल्कुल दबे तो है या नहीं? कुछ नहीं। कितने आरपीएम पे? आरपीएम मैंने चेक नहीं करे पर लेकिन जो है रुकता नहीं है मुझे इतना पता। अच्छा एक बात बताओ भैया, इसमें जो ये पंप है जी, यू कौन हाँ कौन सा है यू? इसका ये पंप है। यू रोटरी है या फिर उसका है इनलाइन पंप है, कौन सा है? ये वैसा ये सादा वाला है जो कंपनी ने दिया। अच्छा कंपनी का ये यू? हाँ जो कंपनी। अच्छा यू से तुम नया लाए है? हाँ नया लाए भैया। नया लाए ओके। कितने का पड़ा यू? यू उस टाइम पे भैया 5.5 लाख रूपए पड़ा। 5.5 का। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ तुमने टू चैन करी हो इसके साथ किसी ट्रैक्टर से? ना ऐसे जो हमने लगाए ने, बाकी हमें इतना पता कि जो जैसे कोई ट्रॉली फंस गई कोई दिक्कत आ गई तो हमने जो है ट्रैक्टर से निकाल ली बहुत है इससे। हाँ अकेले ने निकाल लिया या फिर टू चैन करके निकाल लिया? टू चैन करके अकेले निकाल लिया। अच्छा हाँ। और उसका तेल का खर्चा क्या मानना है? इसका तेल का खर्चा ये मान लो कि ज्यादा नहीं है इसका, लोग बहकावे में आ जाए, 4 सिलेंडर ज्यादा पिए, ज्यादा इसका तेल का एवरेज नहीं है, मतलब ये सही है। हाँ 3.5 घंटे का हर कोई ट्रैक्टर, 3.5 लीटर घंटे के हिसाब से। अच्छा एक बार स्टार्ट कर दो इसे तन्ना। दोस्तों मैं तुम्हें क्या शानदार आवाज है ट्रैक्टर की, देखिए भैया दोस्तों ट्रैक्टर की आवाज बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्रक की। अच्छा भैया एक बात बताओ इस ट्रैक्टर की, जेसीबी कंपनी का है कायदे में? कायदे में जेसीबी कंपनी का है। हाँ, इसकी आवाज भी ऐसी है जैसे और ट्रैक्टरों की तुलना रहती तो, मतलब अगर रात में अगर कहीं से ले जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, जेसीबी आ रही है, साइलेंटली आवाज है। आवाज इसकी थोड़ी और ट्रैक्टरों से अलग है, इसकी कुछ बंदी बंदी सी आवाज है, इनकी तो फटी फटी आवाज अलग है। अच्छा भैया एक बात और बताओ, जैसे तुमने रोटावेटर पे चलाया हो? हाँ रोटावेटर पे चलाया, रोटावेटर पे थोड़ा सा पहले गियर में तो इसकी आवाज जो है, इसकी जो चाल है वो मंदी होती है, चाल मंदी हो जाए हर ट्रैक्टर की रहेगी, जो बड़ा ट्रैक्टर रहेगा उसके पहले गियर में चाल मंदी रहेगी और जैसे ही हम दूसरे गियर तो इसकी चाल बढ़ जाती है। अच्छा ये जो तुम इस पे चला रहे हो ये स्लो में चलता होगा? हाँ स्लो में बिल्कुल, कोई रेस नहीं होती। और तो इस पे क्या खर्चा आ जाए इसका? इसका वही 3.5 लीटर घंटे, 3.5 लीटर घंटे का। और जुताई पे भी? हाँ? जुताई पे ज्यादा लेता होगा? नहीं 3.5 लीटर। ये सिलो पे चला है तो इस पर कम देता होगा? सुनो जैसे ये इस ट्रैक्टर में खासियत है कि हम अगर इसे जुताई में चलाते हैं, जुताई पे चला तो ये तो बेवकूफी है, कोई रेस देके पहले गियर में गिर कर रेस देके चलावे तो हर ट्रैक्टर को नॉर्मली मान रहा है कि कोई मैसी हो स्वराज हो तो हर आदमी उस ट्रैक्टर को उसी तरीके से चलाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर तुम इसे स्लो रेस्ट में चलाओगे जुताई तुम्हारी जब भी करेगी, चाल कम हो जाएगी, कुछ नहीं कम होगी, फिर भी रेस दे हुए तो तेल थोड़ा सा इसका चला जाएगा, 4 लीटर घंटे तक पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा। तो ये किसान के हित में है ट्रैक्टर या नहीं है? नहीं बिल्कुल हित में, बिल्कुल हित में, बिल्कुल हित में। इसमें जो पीछे का हिस्सा और गियर बक्सा स्वराज का इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें आधा स्वराज का ट्रैक्टर, इसमें पीछे का ये हमारा ये बीच में जो हमने लाइन पे दे दिया था एक बार, ट्रैक्टर हमने किराए पे दे दिया था, किराए पे दे दिया तो ये जो लगाते लगाते बीच में से फट गया था ट्रैक्टर। अच्छा ये फट गया बीच में से? कहाँ से टूटा भैया?
यू बीच में से यहाँ से जॉइंट पर, यहाँ से जॉइंट पर से टूट का गियर बॉक्स से कर उसका ये अलग हो गया था। अच्छा, तो ये जो अब जो फिलहाल ये ऊपर का गियर बॉक्स तुम देख रहे हो ना, ये जो रखा है ऊपर ऊपर की, यहाँ से ऊपर की टापी, ये स्वराज का लगा हुआ, पिछका पिछवाड़ा जो है पीछे का जो हिस्सा है वो स्वराज का, मैं तुम्हें दोस्तों दिखाना चाहूंगा। देखो नहीं, ये जो अब जो ये टूट गए, टूटने के बाद ये हमने जो वहाँ से लाए थे मुजफ्फरनगर से पुराने टेस्ट का। अच्छा, कितने का होगा यू? यू भैया ऐसा आगा करीब जो है यू उस टाइम पर आया था करीब 2500 रुपए का पूरा सेट। अच्छा, नीचे से बदले में देख के? हाँ, अपना वाला देख के। और यू स्वराज का फिट होगा इसमें ए टू जेड, ऐसे ही जैसे है यू ऐसे स्वराज का। दोस्तों मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका जो पीछे का हिस्सा है स्वराज वाला, ये 735 का हो या 44 का, 735 का ही है, 35 का ही है ना। हाँ। इसमें जो पीछे का हिस्सा लिफ्ट लिफ्ट सब इसकी स्वराज की है, इसका सेंसिंग पॉइंट भी देख लो स्वराज वाला ही है, सब चीज स्वराज की है। पीछे यहाँ से पीछे जितना भी है ये सारा स्वराज है। हाँ, पीछे का स्वराज का है, जितने पीछे का इतना सारा स्वराज है, आगे की सो अलग है बस। आगे की सो, और इंजन जो है इसका जेसीबी का है, एसी कंपनी का, इसकी एसी एसीई कंपनी की जेसीबी आ गया है। जेसीबी कंपनी का है और आवाज भी इसकी जेसीबी की तरह ही निकलती है। अच्छा, इस पर टीलर पे चलवा के दिखाओगे फिर हमें कभी बैठा? कभी भी जब तुम्हारा मन करे जब दिखा देंगे। 8 फाली का चाहो 8 का, 9 का चाहो 9 का चलेगा, 50 हॉर्स पावर का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी, बेगने के इच्छुक हो इसके? नहीं नहीं बेको, बिल्कुल। दोस्तों किसान भाई ने बेगने को बिल्कुल मना कर दिया। और दूसरी बात ये है कि 16 की हैरो चलाता है। अच्छा अच्छा, इसकी जैसे यू कह रहे हैं कि इसकी सर्विस वर्विस का कुछ चार्ज ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा है? मैंने 1 साल हो गया मैंने सर्विस करवाई ना, मेंटेनेंस भी कुछ ज्यादा कुछ भी ना। मैं तो सारे पे यू ना कंप्रेसर भी लग रहा, मैंने तो इस पे ट्रॉली भरने का भी मेरे पे है, जो ट्रॉली झाबा होता है जैसे किसान को मट्टी भरनी हुई या खाद गिरना हुआ, मेरे पे सब चीज है, तो खाद भी अपने आप गिरता है, सारी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जोर लगवाने की बात है, जहाँ चाहे वहाँ जोर लगवा। चलो फिर किसी दिन आते हैं वीडियो बनाने के लिए हमें तुम्हारी जोर की। दोस्तों ट्रैक्टर जैसे भी लगा हो। अच्छा, ये डिस्क ब्रेक वाकई में डिस्क ब्रेक है? बिल्कुल, अगर एक जगह मार दे थम जाएगा। हाँ, तुरंत जाम हो जाएगा बिल्कुल। इसमें कंपनी ने और डिस्क ब्रेक दिए। दोस्तों वीडियो जैसे भी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसमें बकरा होगा जब ब्रेक मार दे तुरंत। धन्यवाद।